बाद में पेट्रोल वाली बोतल पकड़कर उसको आग लगाकर पापा के ऊपर छिड़का। आग लगी हुई थी, पापा को कोई आ नहीं रहा था। आग बुझाई उनकी है, वो जो गैस वाले थे वो उनको फिर भी मार रहे थे, गलत बार रहे थे। पापा का क्या ख्वाब था, क्या चाहते थे आप, क्या बनो बड़े होकर? इसी तरह से लूज करके आग लगा के इस बोतल कैसे दबाया गया। कल से आप फैसलाबाद से एक वाकया देख रहे होंगे, सोशल मीडिया पे बहुत स्पीड से गर्दिश कर रहा है। ये छोटा बच्चा जो इस वक्त मेरे सामने बैठा है, ये वो बच्चा है, ये उस शख्स का बच्चा है जिसके वालिद को सरेआम चौक पर जलाकर उसको मारा गया और उसके बाद वो अपने खाले के हकीकी सजा मिला। मामला आखिर हुआ क्या है, ये वाकया क्या था, ये सारी इस बच्चे से पूछते हैं और उसके बाद उनके बड़े भाई भी मौजूद हैं, इनसे भी पूछते हैं कि कानूनी क्या कार्रवाई हुई है इस मामले में। अस्सलाम वालेकुम बेटा, क्या हाल है आपका? वालेकुम अस्सलाम। बेटा बताओ कि हुआ क्या था? पापा गैस भरवा रहे थे, उनको जितनी गैस का उन्होंने कम डाली गैस और ज्यादा पैसे मांग रहे थे, और इस बात पर झगड़ा हुआ है। वो कॉपी दे रहे थे रक्षे की कि ये पकड़ ले, मैं चला वापस ला के देता हूँ। पैसे कम थे और वो मारने लग गए पापा को। फिर बाद में पेट्रोल वाली बोतल पकड़कर उसको आग लगाकर पापा के ऊपर छिड़का। फिर बाद में उनको नीचे धक्का देकर मार रहे थे। किस तरह से बचाया आपने उन्हें पापा को, किस तरह से आप फौरन से उनको अस्पताल ले गए? आपने शोर भी मचाया, वीडियो में भी लोग देख रहे हैं इस वक्त। मैंने तो सबको कहा पर आग लगी हुई थी पापा को, कोई आ नहीं रहा था, और हम लोग उसको कहा कि वो अभी आ नहीं रही थी। फिर पापा ने आग बुझाई उनकी है, वो जो गैस वाले थे वो उनको फिर भी मार रहे थे, गलत बार रहे थे पापा का। फिर मम्मी पापा को ज़्यादा जलन हो रही थी। पापा रक्षे में बैठे हैं, मैं उनको लेके जाने लगा, उन्होंने रक्षा बंद कर दिया, गैस वालों ने जाने नहीं दे रहे थे। फिर काफ़ी मोहल्लेदारों ने वहाँ लोगों ने मिन्नत की कि इनको जाने दो, पहले बहुत तबीयत खराब है, वो जाने के लिए उन्होंने दे दिया रास्ता, फिर ले गए हैं वहाँ। पापा का क्या ख्वाब था, क्या चाहते थे आप, क्या बनो बड़े होकर? डॉक्टर बनने को कह रहे थे। डॉक्टर बनने को कह रहे थे। बेटा आपने हिम्मत रखनी है, अल्लाह पाक आपको सब्र दे। वो बोतल दिखा सकते हैं किस तरह से उन्होंने बोतल के ऊपर आग लगाई थी? नाज़रीन आप देख रहे हैं कि ये बोतल इस तरह की एक बोतल थी और इस बोतल के अंदर पेट्रोल भरा हुआ था और ढक्कन इसी तरह से लूज करके आग लगा के इस बोतल को ऐसे दबाया गया, और आप फिर अंदाज़ा करें कि वो कितनी शदीद आग होगी। और वहाँ पर सारे अहले इलाका मौजूद थे, मोहल्लेदार थे, वहाँ पर इर्द गिर्द दुकान वाले थे, किसी ने हिम्मत ना की कि उस शख्स को बचाया जाए। बच्चा अपनी मदद आपके तहत बिलखता रहा, रोता रहा, बार बार ये इल्तजा करता रहा कि मेरे वालिद मोहतरम को बचाया जाए, लेकिन वहाँ पर कोई भी ऐसा शख्स नहीं था, किसी के यही हम कह सकते हैं कि किसी में कोई दिल नहीं था और कोई ऐसा बंदा नहीं था कि जिसने जाके इस बच्चे की हेल्प की हो। इनके बड़े भाई मौजूद हैं और बड़े भाई से पूछते हैं, सर क्या हाल है आपका, बताइएगा कि क्या वाकया हुआ था, कानूनी क्या तकाजे पूरे किए गए हैं, FIR में जो आप चाह रहे थे वो सब कुछ लिखा गया है। जी ये वाकया आदम चौक में हुआ है, गैस मतलब डालने पे जितनी गैस इसने की कही थी उनको बनने के लिए, उससे उन्होंने काम डाली है। तो जब मतलब इसने कहा है कि आपने गैस पूरी नहीं डाली, तो वो कहते हैं कि तुम हमें चोर समझ रहे हो कि हम इधर चोर बाजारी कर रहे हैं, तो इसी बात पर झगड़ा हुआ है। उन्होंने मतलब जो है वो पेट्रोल बोतल में पेट्रोल था उनके पास, तो उसके मुंह को उन्होंने आग लगा के ना ऐसे वो बोतल उसकी तरफ करके पीछे से दबा दिए, तो वो सारा पेट्रोल जो था वो मतलब गैस आग पकड़ के ना, तो शिद्दत से जो आग पकड़ी है उस पेट्रोल ने, तो वो उसके चेहरे पे और अगले हिस्से पे पड़ा, जिससे मतलब बहुत ज़्यादा वो झुलस गया है। वो हॉस्पिटल में लेके गए हैं, मतलब जानवर नहीं हो सकते। बस सर अल्लाह पाक आपको सब्र दे, इनकी फैमिली की सब्र दे। बता सकते हैं कि इनकी फैमिली में उनकी पीछे हुमैन में कौन कौन मौजूद है? इनमें इसका ये तीन बच्चे हैं उसके, ये बड़ा बेटा है, इसकी उम्र 12 साल है, तो इससे एक छोटी बच्ची है उसकी उम्र है तकरीबन 11 साल है, 10-11 साल, और सबसे एक छोटा बच्चा है उसकी 5 साल उम्र, 5 साल उम्र है। तो वो घर का खर्चा वगैरह वही सब कुछ देखते थे?
हाँ जी वही वाहद कफील था जी, कमाने वाला एक ही था घर में। बता सकते हैं कि मोहल्ले में इनका कैसा रवैया था, कैसे यहाँ पे गुजर बसर कर रहे थे? जैसे आप बता रहे थे कि बहुत एक नाइस पर्सन थे, कभी किसी के साथ कोई बदतमीजी नहीं, बड़े शरीफ अंदाज में वो रहते थे। हाँ जी वो बहुत शरीफ आदमी था जी, किसी के साथ उसने कभी कोई झगड़ा नहीं किया। सारे मोहल्लेदार माशाल्लाह उसकी तारीफ कर रहे हैं कि बड़ा अच्छा आदमी था। और ये आप खुद भी इधर उधर से मतलब पूछ सकते हैं, मैं मुझे सफाई देने की जरूरत। बिल्कुल जी, मोहल्लेदारों का भी यही कहना है कि बहुत अशरीफ इंसान थे, अल्लाह पाक उसके दर्जात बुलंद करे। आखिर में बता दीजिएगा कि कितने मुलजमान पकड़े गए हैं और कितने मुलजमान फरार हैं इस केस में? जी इस केस में तीन जो हैं वो नामजद मुलजमान हैं, उसमें से दो पकड़े गए हैं और एक मफरूर है। ठीक है, क्या कहना चाहेंगे आखिर में बता दें? इस वक्त लोग आपको देख रहे हैं, वाकई एक इंसानियत सोज वाक़ा है, इस पर जितनी भी बात की जाए वो कम है, क्योंकि आपको इंसाफ मिलना बहुत ज़रूरी है। ये छोटा बच्चा, इसके आगे दो छोटे और मज़ीद बच्चे, बात भी हमसे नहीं हो रही, हम बात करने की कोशिश कर रहे हैं, तो ज़ाहिर बात इनका क्या हाल होगा? जी हमारा मुतालबा कानून नाफ़िज़ करने वाले इदारों से यही है कि जी ये बच्चों के साथ, मेरे भाई के साथ बहुत ज़ुल्म हुआ है, उन्होंने उसको ज़िंदा जला दिया है, आग पेट्रोल छिड़क के आग लगा दी है, तो उसको जो मुलजमान है उनको करार वाकई सज़ा मिलनी चाहिए, वो जिस सज़ा के मुस्तहिक हैं उनको मतलब इंसाफ किया जाए हमारे साथ। जी बहुत शुक्रिया, आपने इनकी गुफ्तगू सुनी है। ये आप पीछे घर के मनाजर भी देख रहे हैं, हम इनके बिल्कुल घर के बाहर हैं, ज़ाहिर बात है याम सो गए और वो याम चल रहे हैं, आज उनका दूसरा दिन था। तो यही कह सकते हैं कि जो कानून नाफिज़ करने वाले इदारे हैं इनको जल्द अज जल्द इंसाफ दिया जाए, इंसाफ की फरहमी को यकीनी बनाया जाए, जो कि बहुत ज़रूरी है। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।